वेलकम टू माई क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन की दिस इज पार्ट नंबर ट्वेंटी फाइव इस पार्ट के अंदर हम पिन कोड को एंटर करेंगे सिक्स डिजिट्स के अंदर पिन कोड के अंदर ना तो सिक्स डिजिट से कम एंटर किए जाएं ना ही ज़्यादा एंटर किए जाएं इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन को टेकअप करेंगे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूँ इस एक्सेल शीट के अंदर मुझे एक टेबल दी गई है एम्प्लाइज डिटेल्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स दिए गए हैं और एक कॉलम है पिन कोड का मैं इसी पिन कोड के कॉलम को इस एग्जांपल के अंदर टेकअप करूँगा बाकी के कॉलम्स का कोई रेफरेंस नहीं है पिन कोड के केस के अंदर हमें एक कंडीशन दी गई है पिन कोड डिजिट्स कैन नॉट बी मोर देन आर लेस देन सिक्स तो मैं यहाँ पर पिन कोड को एंटर करूँ और पिन कोड के डिजिट्स ना तो छः से ज़्यादा हों ना छः से कम हो। सो so, मुझे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करना है आइएगा इसको स्टार्ट करते हैं आई गो टू डेटा टैब डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउड ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट लेंथ को टैक्स लेंथ के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आई डेटा तो डेटा के केस के अंदर मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा टू के केस के अंदर यहाँ पर मैंने सिक्स दे दिया आई से ओके अब मैं यहाँ पर पिन कोड को एंटर करने जा रहा हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिस इज ओके अब मैं एंटर कर रहा हूं फाइव नंबर्स ओनली तो मेरे पास एक एरर अलर्ट आ गया

मैं कैंसल पर क्लिक करूंगा तो ये सेवन डिजिट्स यहां से डिलीट हो जाएंगे इट मींस मैं यूजर को कंपेल कर रहा हूं कि वो ना तो सिक्स डिजिट से कम एंटर करे और ना ही ज्यादा एंटर करे लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर नोट कीजिएगा अगर मैं वैल्यू दे ए बी सी डी ई एफ आई एंटर ये वैल्यू तो एक्सेप्ट हो गई इट मीनस हमने जो वैलिडेशन यहां पर इंप्लीमेंट करी है वो वैलिडेशन तो बड़ी वीक है ये तो डिजिट्स को भी ले रहा है और अल्फाबेट्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है मैं इस पर्टिकुलर वैलिडेशन को नाम देता हूँ दिस इज वेरी वीक वैलिडेशन क्योंकि हम जानते हैं पिन कोड तो ये डिजिट्स के अंदर होना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट्स भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं तो फिर हम इसके लिए क्या करें कि ये वैलिडेशन स्ट्रांग हो जाए आइएगा मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सेल शीट के ऊपर अब स्टूडेंट मैं स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन की तरफ मूव कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले मैंने पिन कोड की ये कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लिया आई गो टू डेटा वैलिडेशन टूल डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स में वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउड ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट किया फार्मूला के केस के अंदर अब मैं यहाँ पर एक फार्मूले को टेकअप करूँगा क्योंकि मेरे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर सिर्फ नंबर ही एंटर हो और वो नंबर भी सिक्स डिजिट्स में होनी चाहिए जब दो रिक्वायरमेंट हैं तो मैं यहाँ पर एंड फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ इक्वल्स टू एंड पेरेंथे से स्टार्ट सबसे पहले चेक करो पिन कोड के अंदर ये नंबर है सो so, मैंने फंक्शन टेकअप कर लिया इस नंबर इस नंबर के केस के अंदर मुझे वैल्यू पिन कोड के नीचे वाले सेल से मिलेगी जिसका रेफरेंस मैंने H3 की फॉर्म के अंदर दे दिया H3 के अंदर नंबर है तो एक चीज़ को और चेक करो कि इसकी लेंथ सिक्स है यहां पर मैं एक और फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं लेन लेन के अंदर H3 के अंदर जो भी वैल्यू है उसकी लेंथ को निकालो ये लेंथ सिक्स के इक्वल होनी चाहिए और अब मैं एंड फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आई से यहाँ पर मैं पिन कोड के नीचे वाले सेल के अंदर एक पिन कोड एंटर कर रहा हूँ। वन वन जीरो जीरो एट फाइव ये सिक्स डिजिट का है तो ये एक्सेप्ट हो गया एक और पिन कोड को मैं एंटर कर रहा हूँ सिक्स डिजिट के अंदर आई प्रेसेंटर ये भी एक्सेप्ट हो गया अब मैं यहां पर एक पिन कोड को एंटर करूंगा जो कि फाइव डिजिट का है आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एरर अलर्ट आ गया दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल मैं ये कैंसल पे क्लिक करता हूँ इट मीनस ये फाइव डिजिट्स नहीं लेगा मैं सेवन डिजिट देता हूँ इस बारी मैंने सेवन डिजिट्स दिए आई प्रेस सेंटर अगेन मेरे पास एरर अलर्ट आ गया आई कैंसल इट अब मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ क्या ये अल्फाबेट्स को भी एक्सेप्ट करेगा सो so, मैंने ए बी सी डी एफ दे दिया आई प्रेस एंटर ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास वही एरर अलर्ट दोबारा से आ गया मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो ये अल्फाबेट्स यहाँ से डिलीट हो गए इट मीन्स मैं यूज़र को कंपेल कर रहा हूँ कि वो पिन कोड को सिर्फ नंबर में ही एंटर करेगा और सिक्स नंबर ही एक्सेप्ट किए जाएंगे अगर यूज़र यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स को एंटर करना चाहे तो उसकी इजाज़त उसे नहीं मिलेगी सो so, इस तरह से स्टूडेंट ये हमारे पास एक स्ट्रांग वैलिडेशन बन जाता है हमने इस केस के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए डेटा वैलिडेशन बॉक्स कंप्लीट दे दिया जब हमने टेक्स्ट लेंथ के वैलिडेशन को दिया था तो ये वैलिडेशन बहुत वीक था यहाँ पर अल्फाबेट्स भी एक्सेप्ट किए जा रहे थे लेकिन जब हमने एक फॉर्मूले को यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया उस केस के अंदर ये बहुत ही स्ट्रांग वैलिडेशन बन गया मैं उम्मीद करूंगा ये दोनों चीज़ें अब आपको बेटर तरीके से क्लियर होंगी थैंक यू वेरी मच